आज ये वक्त जबकि गुलमर्ग में -4.6 टेम्परेचर है और कल डेफोरेस्टेडे जबकि इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है, तो आज के दिन जो हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार जो लोग शुभ समझते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं कि जो समझते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसको एंजॉय करना चाहिए, आज संडे भी है, तो आज संडे के दिन में जो इन्होंने जो आज का जो डिश है उसका नाम है साग मटन। ये साग मटन जो कि मटन के साथ साथ इन्होंने पालक के साथ इसको मटन को बनाया है और इस भगोने में बहुत धीरे 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 करके पकाया, इसको प्रेशर कुकर का जरा सा भी हवा नहीं लगने दिया और इस साग मटन जो कि मैंने भी खाया, कई सालों से यूं तो हम इसको खाते रहे हैं और आज जो लगा वो वाकई जो अब तक का जो खाया था वो उस साग मटन से, बाकी मटन से ये साग मटन वाकई बहुत बेहतरीन, स्वाद में बहुत अच्छा। और ये जो हमारा एक जेंटलमैन है यहाँ पर, ये देखो, इसने भी इसको पूरे दिल से खाया है, हमारा किट्टू। ये देखो आप, किट्टू अभी भी उस साग मटन का स्वाद ले रहा है। यूं तो ये वेजिटेरियन वर्ड्स में आता है बट नॉन वेज जब भी बनता है तो ये पूरे दिल से जोर जोर से बोलता है कि मुझे भी दो। तो आज इसने इस साग मटन का स्वाद लिया है, वाकई इसके बनाने वाले का जो टेस्ट है वो कभी नेपाल जाता है, नहीं नेपाल नहीं, कभी वो नैनीताल जाता है, कभी वो गुलमर्ग जाता है, कभी श्रीनगर जाता है, और इन सभी चीज़ों में जो सबसे बेस्ट टेस्ट बनता है वो टेस्ट को बैठ के घर में बनाता है और आज जो इसने बनाया वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके जो दोस्त हैं उन्होंने भी फ़ोटो में देखा, वो भी इसका तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस मटन में बेसिकली पालक है, इसमें जो दूसरे जो इसने चीज़ें ऐड की हैं उसमें लहसुन है, इसमें गरम मसाला है, अदरक है, वो सब चीज़ें डाल के इसने अदरक को इसको पालक को एक क्रश करके और मिक्सी में डाल के इसको बहुत क्रश किया और क्रश करने के बाद में पालक का वाकई एक जो आप देखते हो पालक पनीर या पालक का दूसरे डिशेज होते हैं उस तरह से पालक की रेसिपी को इसने तैयार किया। और ये किट्टू भी कह रहा है कि यार मेरा भी फीडबैक ले लो, देखो कितना खुश हो के फीडबैक दे रहा है ये। तो ये जब ये पूरा पालक बन जाता है तो बनने के बाद फिर लास्ट में इसमें मटन डाल देते हैं और इसको मुझे लगता है कुछ 2 घंटे तक प्रेशर कुकर में नहीं, ये स्लो गैस के ऊपर बनाया गया और उसमें आज का जो कुकिंग है मटन बहुत अच्छा कुक हुआ है, जो बड़े आराम से आप खा पा रहे हो। तो इनके साथ में ये वीडियो हो सकता है कि मेरे जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन वाले हैं, बट कुछ हमारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आज की रेसिपी का आप ये सीक्रेट जो आप टेस्ट बता रहे हो बहुत अच्छा है और हमारे किट्टू ने भी इस टेस्ट को खाने के बाद और उसने बोला कि बहुत अच्छा है। हाँ किट्टू बताओ कितना अच्छा है, तो किट्टू ने भी बताया है कि बहुत अच्छा है।
और किट्टू आज भरपेट खाने के बाद और आराम से ये सो जाएगा। सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक कोई आवाज़ नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि रात को जो खाना खाया वो इसका पसंद का था। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे यूट्यूबर हैं नॉन वेज में जो विश्वास रखते हैं, उस के लिए वो इस ठंडे समय में और जहाँ कोरोना का प्रकोप है उस कोरोना प्रकोप में नॉन वेज, क्योंकि ये प्रोटीन से ओतप्रोत होता है, आप प्रोटीन के साथ में जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको कोरोना आपके घर के गेट के बाहर रहेगा। और यदि आप नॉन वेज के साथ नहीं खाना चाहते तो आप दाल खा लो, जिससे भी प्रोटीन आपको मिलता है तो भी कोरोना गेट से बाहर। तो जो नॉन वेज हैं वो मटन खा के कोरोना को गेट के बाहर रख सकते हैं, और जो दाल खा के प्योर वेजिटेरियन हैं वो भी इसको बाहर रख सकते हैं। और मैं अगली बार एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यूँ तो हम अपने जब भी घर में आते हैं या घर से बाहर जाते हैं या किसी दूसरे ऑफिस में जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे, यहाँ तो ये खाली गिलास नज़र आ रहा है, बट अल्कोहल जो कि हाथ से जो बोलते हैं इसको कि उससे हाथ के ऊपर होना चाहिए, तो वो हाथ के ऊपर, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर जो सैनिटाइज़र होता है वो भी अल्कोहल उसके अंदर होता है। तो आप सैनिटाइज़र जब भी घर से बाहर जाएं तो हाथ को सैनिटाइज करके जाएं, और जब घर के अंदर बाहर से आते हैं तो भी सैनिटाइज़र को लगाते हैं। तो यहाँ सैनिटाइज़र जो कि कुछ परसेंटेज उसमें अल्कोहल होता है, तो आपके पास दो ही चीज़ है कि कोरोना से यदि 100% प्रोटेक्ट रखना है तो आप प्रोटीन्स होना चाहिए जो कि इस फूड में मिलता है, और जो लोग जिसको नहीं यूज करते हैं तो वो दाल को यूज करते हैं तो वो दाल में भी उतना ही प्रोटीन्स होता है। तो वेज नॉन वेज का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन होके दाल खा के भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोरोना जो कि आजकल ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाता है, उसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को या तो दाल खा के प्रोटीन्स की संख्या बढ़ाएं या नॉन वेज खा के प्रोटीन्स की संख्या बढ़ाएं, इससे आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। जिसके घर में दाल का सेवन और नॉन वेज का सेवन होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। मैं ये गारंटी तो नहीं देता बट ऐसा यूट्यूब पे हमें दिखाई देता है, तो आप यूट्यूब की कुछ वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूबर कुछ बॉम्बे से थे, कुछ हैदराबाद से थे, उन लोगों का ऐसा डिमांड था कि आज का जो आपने जो डिश बनाया है तो उसका कुछ वीडियो बना के आप डालें, जिससे कि हम लोगों को भी शिक्षा मिले और हम लोग कोरोना से पूरी तरह से 100% सेफ रहें। तो इसी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो डाली जा रही है। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा सुरक्षित हेल्दी फूड खाते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इन्हीं विचारों के साथ मैं इस साग मटन की रेसिपी के साथ वापस बता देता हूँ कि आप लोग भविष्य में ऐसा बनाएं और इसका टेस्ट लें और हमारे किट्टू जैसा पसंदीदा जो इस चीज़ का है वो उसकी तरह खा के और मस्त रहें। ये भी कहता है कि अब तो मैं उड़ने लायक हो गया हूँ और पंख उड़ा के दिखा भी रहा है आपको। तो आप जब ये तैयार है तो आप भी तैयार होंगे, तो आप भी इन चीज़ों का जो वेजिटेरियन है वो दाल का सेवन करें, नॉन वेजिटेरियन है वो इसका भी सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर सेम, पीपल आर सेम, पीपल आर प्रोटेक्टेड हु इज़ हैविंग दाल एंड नॉन वेज। तो मैं दोनों की भावनाओं को
ध्यान में रखते हुए दोनों को सलाह देता हूँ कि वो दाल खाएं, और जो दाल नहीं खा सकते तो वो इसको खा लें ताकि पूरी तरह से सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का साग मटन आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बनाया और जिन्होंने देखा, उनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो डालता हूँ। आप इसको देखें, आपको शेयर करें, आप इसके ऊपर कमेंट करें। धन्यवाद। गुड नाइट।